हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक होंगे? तो दोस्तों, मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए कुछ न्यू रेसिपी। तो देखिए, मैंने ले रखी है चने की दाल। इसको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था और बढ़िया करके फूल गई है। अच्छे से मैंने धो भी लिया है इसको। अब हम गलाएंगे इसको बढ़िया करके। तो दिखाते हैं, इधर मैंने ले रखा है कुकर और आग जला दी है। कुकर में डाल देंगे इसको। दाल को अच्छी तरह से मैंने धो लिया था बीन के। इसमें लगाएंगे हम 3 सीटी। तो पूरी वीडियो देखना दोस्तों, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग भी बना सकते हो। हाय दोस्तों, तो इधर मेरी पोती भी आ चुकी है मेरे साथ। सबसे पहले हम कुकर को चूल्हे में चढ़ाएंगे और इधर ले रखा है हमने पानी। पानी का चलेगा खाली। तो इधर आपको खाली कढ़ाई दिखा रही है। सबसे पहले हम चने में डालेंगे पानी 1.5 गिलास। अच्छे से उबालते हैं और डालेंगे इसमें हम सरसों का तेल। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल। सरसों के तेल से क्या होता है, जब दाल उबलती है तो पानी ऊपर नहीं आता है। कभी क्या होता है, दाल गलाने में पानी सीटी से ऊपर आ जाता है, तो अगर हम तेल डाल देंगे तो ऐसा नहीं होता है। अब डालेंगे इसमें नमक। इसको रखते हैं उबालने के लिए 3 सीटी। एकदम हलवा भी नहीं बनाना है हमने इसका, सिर्फ 3 सीटी लगाएंगे जो दानेदार रहे हमारे। 3 सीटी आ गई है। कुकर को हम निकाल लेते हैं। दाल हमारी अच्छी तरह से गल गई है। जब दाल गल जाती है दोस्तों, खुशबू भी आने लग जाती है गले की। तो देखिए हमारी दाल कितनी बढ़िया करके गल गई है। बस इसको क्या करना है, अब हमने छान लेना है। एक छन्नी से इसको छान के इसके पानी को अलग कर देंगे और इसके पानी से आटा गूंद लेंगे। बहुत अच्छी रोटी बनती है आटे से। दाल तो हमारी गल चुकी है, अब बनाते हैं दाल बढ़िया सी। कढ़ाई ले रखी है मैंने, कढ़ाई को होने देंगे गरम। कढ़ाई गरम हो गई है, अब डालेंगे हम इसमें सरसों का तेल। तेल को करते हैं गरम। तो इधर हमारी पीसा रानी आ गई है। पीसा रानी तो कल से ही आई थी, आज कपड़े बदल। तो देखिए हमारी पीसा भी आ गई है। हेलो, हाय कह दो, हाय कह दो। आज दादी को काम नहीं करने दोगे? आप बुखार आ रहा तो बता दो। हाँ गाइस, मुझे बुखार आ रहा, बता दो, बता दो। नहीं बताना है? हाय गाइस, अब करते हैं तड़के की तैयारी। तेल गरम हो गया, आधा चम्मच मैंने ले रखा है जीरा। इसको भूनते हैं अच्छे से। जीरे को करेंगे ब्राउन। विशु, आप आप जबरदस्ती करने लग गए हो आजकल बहुत ज्यादा, उधर सॉरी बोल दो। हाँ, जीरा अच्छे से भून जाता है, उसके बाद डालेंगे इसमें लहसुन। जीरा हो गया है ब्राउन, अब डालेंगे हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन को मैंने काट रखा है, अदरक का पेस्ट है, उसी में डाल देंगे लहसुन के पत्ते। आजकल लहसुन के पत्ते बहुत हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा इसमें छौंका लगाते हैं इसका। कभी भी लहसुन के पेड़ पत्ते होते हैं तो हम उसका छौंका लगाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब डालेंगे इसमें हम प्याज, बारीक काट रखा है। प्याज के साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा हरी मिर्च। हरी मिर्च का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और इधर मेरी पोती बिल्कुल लगी हुई है दुपट्टा ओढ़ने में, बहुत शौक है इसको दुपट्टा ओढ़ने का। तो बचपन में हम भी ऐसी एक चुन्नी ले लेते थे, ओढ़ते रहते थे। प्याज हमारा इतनी अच्छी तरह से हो गया है ब्राउन, बस ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है। अब डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर। प्याज के साथ टमाटर को भी पकाते हैं। टमाटर के साथ डाल दिए हम इसमें स्वाद अनुसार नमक। तब भी टमाटर डालो तो सीधे नमक डाल देना चाहिए, प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाता है। स्वाद अनुसार नमक, दाल में भी मैंने नमक डाल रखा था तो थोड़ा ही डाल रखा। क्या ला गई है? ओहो, तो आपके लिए फूल लेके आ गई मेरी पोती। दे दो, दे दो, लो। तो हमने टमाटर को ज्यादा पकाना नहीं है, इस तरीके से रखना है। देखिए अब डालेंगे हम इसमें मसाले। आधी चम्मच ले रखा है मैंने लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ले रखा है हल्दी। कभी भी हो हल्दी कमी पड़ती है, कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे थोड़ा सा। धनिया का पाउडर, अब डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और हल्का सा डालेंगे इसमें पानी। थोड़ा सा पानी के साथ पकाते हैं, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा।
इसमें डाल देंगे उबली हुई हमारी दाल, क्योंकि हम बना रहे हैं इसको रोटी के साथ, पानी नहीं डालेंगे, ना ऐसे पकाएंगे, मसाले के साथ ही इसको पकाते हैं। अच्छे से करते हैं इसको मिक्स, दो मिनट के लिए और पकाते हैं। तो इधर देखिए हमारी दाल की रेसिपी बनके हो गई है तैयार। अच्छे से इसको फिर से मिला लेते हैं। अब डालेंगे इसमें हम हरा धनिया, तो ये मैंने बनाई है रोटी के साथ। पानी नहीं पड़ेगा इसमें? पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे हम इसमें, ऐसे अच्छा लगता है छोले की तरह, नींबू नींबू डाल के मजा आ जाएगा बिल्कुल। हाँ, तो इसके ऊपर से नींबू आएगा ना, फिर और मजा आता है। तो डाल देंगे इसमें हरा धनिया। कैसे खाएंगे वो भी बताती हूँ। इसके ऊपर से हम कच्चा प्याज डालेंगे, थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे, उसके बाद रोटी के साथ इसको खाएंगे। नमकीन भी डाल सकते हैं इसमें? हाँ, कुछ भी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी दोस्तों? कढ़ाई को निकाल देते हैं इस तरीके से, पानी से। कढ़ाई आज बहुत गर्म है क्योंकि अब गर्मी आ गई दोस्तों। सब करके दिखाते हैं हम आपको। ये ले रखे मैंने एक प्लेट, इसमें ले रखा है मैंने पापड़, लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इस तरीके से आप भी खाना। और ये ले रखा है मैंने प्याज कटा हुआ, इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा प्याज और निचोड़ेंगे नींबू। ये देखिए, तो ये रही हमारी प्लेट। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? और ये ले रखा है मैंने लिज्जत पापड़, ये ले रखा है हमने गाजर और मूली का अचार। तो ये मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखी है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो जल्दी से यूट्यूब चैनल में जाना और वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो मुझे तो इस तरीके से लिज्जत पापड़ से बहुत अच्छा लगता है ये वाले मसाले। तो कैमरामैन चक्के दिखाएगा आपको कैसी हो रही है, चक्के दिखा बेटा। कैसी लगी? कुर्र कुर्र आवाज आ रही, मस्त मस्त। तो आप जैसे ऐसी चने खाओगे तो ना इसमें पापड़ तोड़ लेना, इस तरीके से दिखाती है आपको ये। तो इस तरीके से भी आपको बहुत अच्छी रेसिपी लगेगी, मुझे तो ऐसे पसंद है, इस तरीके से खाऊंगी मैं। तो लीजिए ये आपके लिए रेसिपी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक फॉलो करना, मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब करना।